मैं विनोद कुमार कुशवाहा, ग्राम कैथी, पोस्ट कोनार, थाना श्री सागर, जिला रोहतास के निवासी हूँ। मैं वर्तमान में 2016 से 21 का उप सरपंच था और ग्राम कैथी के निवासी हूँ। हम लोग के कैथी में हिंदुओं पर इतना दबाव है कि किसी भी बात पर यहाँ के मुस्लिम लोग के भीड़ में आकर हम लोग को पूरी तरह मारपीट करते हैं। दर्जनों के भीड़ में हम लोग आकर पूरी तरह मारपीट कर देते हैं, प्रताड़ित इतना करते हैं कि हिंदू लोग गांव छोड़कर भाग जा रहे हैं। इसमें दर्जनों लोग सक्रिय रहते हैं, हिंदुओं को मर्डर करते हैं, मां बहन का इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, रंगदारी टैक्स लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, ये लोग चंदा तहसील कर हिंदुओं को पूरी तरह प्रताड़ित करते हैं, कोई हिंदू मदद नहीं करता, उल्टे ये मुस्लिम लोगों को यहाँ के हिंदू लोग वोट लेने के लिए, मुर्गा दारू पीने के लिए मदद करते हैं। हम लोग को इसमें दर्जनों लोग सक्रिय रहते हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होता। हम लोग गरीब आदमी पड़ जाते हैं और पैसा के बगैर कहीं सुना नहीं जाता। हम लोग को बुरी तरह पीटते हैं ये लोग, दर्जनों लोग जुट जाते हैं हिंदू लोग वोट के लिए, रजनीत के लिए, अपना कोई मुर्गा दारू पीने के लिए उन लोगों को साथ देता है। मेरी आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए, माननीय गृह मंत्री जी तक। हम लोग अब कैसे जिए, मुझे जीने का इच्छा नहीं है, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। हम लोग कुछ हमको थोड़ा भी जीने का इच्छा नहीं है, इतना हम लोग को ये लोग दर्द दे दिया है। हिंदुओं का कहीं गुजारा नहीं है, गरीब हिंदू है तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग तो मुस्लिम लोग चंदा तहसीलते हैं और हिंदुओं पर कुछ भी करते हैं, मर्डर भी करते हैं, तो वो कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये लोग के पास पैसा है, केस खत्म करा देते हैं, हिंदुओं को खुलियाम मर्डर करते हैं, खुलियाम गाली देते हैं। अब हम लोग क्या करें, हिंदुओं ने कहीं सजा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतने शेयर कीजिए ना कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का इस पर ध्यान हो जाए और तत्काल इस पर एक्शन लिया जाए। इसमें दर्जनों लोग सक्रिय है और किसी पर कुछ आज तक नहीं हुआ है। हम क्या कर लिया, इसे तो अच्छा है कि मर जाना अच्छा है।